Digvijay Singh has launched the most direct attack on the CAG yet, also claims that the CAG harbors political ambitions. I have never attacked any constitutional authority in my life. But yes, the person who is holding that position, if you see the past CAGs, there was Mr. Kaul from 2002 to 2008. Before that, which was Mr. Shinglu, they never sensationalized any issue. They were absolutely constitutionally correct of whatever they found in the expenditure occurred during the financial year in the government. They never went to press. It is the first time that the CAG and some of their people, not the CAG himself, but some of the people in the CAG have gone to the press and said what they wanted to say. If they want to create precedents, they should realize that what they are doing. बात कहने का वो चाहते हैं डिबेट करना, यही तो चाहते हैं कि डिबेट होना चाहिए, हम भी चाहते हैं डिबेट करना. ऐसा है, हम तो ऐसा है, मुलायम सिंह जी ने ठीक ही कहा है कि डिबेट होना चाहिए. भारतीय जनता पार्टी को, पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने उनको इनविटेशन भेजा कि हमारी मीटिंग में आ जाइए. जब उन्होंने अस्वीकार कर दिया, अब उन्होंने कहा भी डिबेट कर लिए, तो अब मुलायम सिंह जी को जब इनविटेशन भेज सकते हैं, उनका इतना मान आदर सम्मान करते हैं, तो उनकी बात भी मान लेना चाहिए, डिबेट करना चाहिए. अरुण जेटली आज 11 बजे धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं जंतर मंतर पे, तो उनको सुषमा स्वराज जी और अरुण जेटली था. ये भी एक बड़े चौंकाने वाली बात है कि माननीय विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज जी भोपाल में जाके बयान देती हैं कि मैं दिग्विजय सिंह के साथ वाद विवाद करने तैयार हूं कोल के विषय पर. माननीय विपक्ष के नेता को पार्लियामेंट की डिबेट पसंद नहीं है, पार्लियामेंट में वो भाग नहीं लेना चाहती हैं, और दिग्विजय सिंह को उन्होंने इज्जत बख्शी है. तो मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप जहां चाहें, जब चाहें, जैसे चाहें, मैं आपसे विवाद करने तैयार हूं, लेकिन आपसे यही प्रार्थना है कि आपकी पार्टी ने आपको अवसर दिया है, विपक्ष की नेता है, आप सरकार को घेरिए, लोकसभा में घेरिए, लेकिन अगर वो लोकसभा से हटकर मुझसे विवाद करना चाहती है तो हो जाए. कांग्रेस के लिए है कि मीठा मीठा गपगप और तीता तीता थू थू. जो कांग्रेस को सूट करे उसकी प्रशंसा करो, और जो संवैधानिक संस्था अगर कोई कमी निकाले तो उस पर हमले करो. तो संवैधानिक संस्था पर और उसके अध्यक्ष पर और जो संवैधानिक संस्थाओं का नेतृत्व कर रहे हैं उस पर हमला करने की दिग्विजय सिंह जी की पुरानी आदत है. और फिर से, क्योंकि 2G में उन्होंने बहुत बड़ा एक्सपोज किया, खासकर जो CNG ने जिस तरह से पूरी तरह से एक्सपोज करने का काम किया, कोल में एक्सपोज करने का काम किया, और भी कई जो CAG की रिपोर्ट है जिसमें बहुत सारा एक्सपोजर कांग्रेस के सरकार के खिलाफ हुआ है, इसको लेकर कांग्रेस के नेता के पास कोई जवाब नहीं है.